नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों आज हम लोग सदिशों के अवकलन का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने आपको तीन थ्योरम बताया था और एक क्वेश्चन भी बताए थे। यदि आप देखे नहीं हैं तो उसको जरूर देखिएगा, है ना। थ्योरम था सबसे पहला, एटी को अचर है ना होने के लिए प्रतिबंध था। दूसरा, एटी के परिमाण को अचर होने के लिए है ना थ्योरम था। और तीसरा, एटी की दिशा को है ना अचर होने के लिए थ्योरम था। तो ये सब थ्योरम आप देख लीजिएगा, है ना। इनमें से है ना लास्ट वाला थ्योरम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और यदि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस चैनल के थ्रू बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, ये देखिए, यदि R इज इक्वल कितना है, देखो आपको दिया है बच्चों R इज इक्वल लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस साइन टी जे केप माइनस टी स्क्वायर के केप हो तो डी आर अपॉन डी टी स्क्वायर मापांक के मान को t इज इक्वल जीरो पर ज्ञात करना। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया r इज इक्वल लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया साइन t जे केप माइनस कितना टी स्क्वायर के केप। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब सबसे पहले हमको d बाय डी टी करना, यानी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन में यहां आई केप है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आई केप। ठीक है, तो ये देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, डी आर अपॉन डी टी इधर भी करेंगे, इधर भी डी बाई डी टी करेंगे, सबके साथ अलग अलग कर देते हैं। देखिएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या हो गया आई केप प्लस डी वाई डी टी ऑफ साइन टी जे केप माइनस डी वाई डी टी टी स्क्वायर के केप। ये देखो, अब भाई आप तो अवकलन आपको मालूम है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग एक्स का क्या जानते हैं, 1 अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह हम रखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब एक्स के अलावा कोई दूसरा होता है तो डबल करते हैं इसका और गुना करते हैं इसमें, तो 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, ये तो आप जानते हो आई केप। और साइन टी का कितना होता है, कॉस टी होता है बच्चों, और टी स्क्वायर का कितना होता है, 2t के हो गया। तो आपने क्या पाया, ये देखो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल आपने पाया 2t अपॉन कितना 1 प्लस टी स्क्वायर आई केप प्लस कॉस टी जे केप माइनस कितना 2t के केप। ये देखिए, इसको आप इक्वेशन सपोज कर लेना 2t के केप, ये समीकरण नंबर कितना 2। तो बच्चों आपको जरूर यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे। देखो अभी तो हम d2r/dt² निकालना है, तो एक बार और अवकलन कर लेते हैं। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो पुनः अवकलन कर रहे हैं, तो इधर क्या हो गया d बाई डी टी लगेगा, तो d2r/ कितना हो गया बच्चों dt² अब पहले में d बाई डी टी है ना, d बाई डी टी, और ये आ गया 2t/1+t² पहला वही है ना, और दूसरा में है कास है तो डी बाई डी टी, ये होगा कास टी जे केप, और तीसरा में डी बाई डी टी 2t के केप। एक बार और चेक कर लो, बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे, ये देखो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये देखो हर का वर्ग हर वैसी, अंश का अवकलन अंश वैसी, टी का वन हो गया, अंश वैसी
हर का अवकलन ये हमने पाया, ठीक है ना, ये आपने इसका अवकलन पाया। आई के कास टी का माइनस साइन टी, कास टी का बच्चों माइनस साइन टी, ये हो गया जे के, और टू टी का टू, और ये हो गया के के। तो आपने फाइनली पाया डी टू आर अपॉन कितना, डी टी स्क्वायर इज इक्वल, ये कितना आया देखो, वन प्लस, यानी समझो कि टू का मल्टीप्लाई कर दो, टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस कितना हो गया, टू टू जा फोर, फोर टी स्क्वायर अपॉन कितना, वन प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया आई केप माइनस साइन टी, जे केप माइनस कितना, टू के केप। अब इसमें डी टू आर अपॉन कितना, डी टी स्क्वायर, ये निकालते हैं। तो देखो टू और ये माइनस कितना, टू टी, तो टू माइनस टू टी स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं टू कॉमन निकाल के वन माइनस टी स्क्वायर रख देते हैं, आपके पास आया वन है ना, अपान में आया वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया आई केप, ये हो गया साइन टी है ना, और ये हो गया जे केप, ये हो गया माइनस टू के केप। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना, थ्री, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम लोग दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, क्या बोला गया है, देखो टी इज इक्वल जीरो रखने के लिए बोला गया, ध्यान देना, तो इसमें भी टी इज इक्वल जीरो रखें, साथ साथ रख देना था, कोई बात नहीं आगे रख देंगे। तो समीकरण दो और तीन में, ये देखो समीकरण दो और तीन में टी इज इक्वल जीरो रखने पर, चलो रखो, तो पहला डी आर अपॉन डी टी क्या था भाई, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, तो टू इंटू जीरो अपॉन वन प्लस कितना, जीरो स्क्वायर आई केप। दूसरा क्या था, कास टी, तो कास जीरो जे केप। तीसरा क्या था, टू टी, तो टू इंटू जीरो, और ये हो गया के केप। तो आपने डी आर अपॉन डी टी क्या पाया, ये देखो ये तो हो गया जीरो आई केप, और कास जीरो वन जे केप माइनस कितना, के केप है ना, सॉरी जीरो के केप, ये आपको मिल गया। अब इसका मॉड भी निकालना है, तो साथ साथ निकाल ही लेते हैं, मॉड डी आर अपॉन डी टी, ये देखो मापांक निकालेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, जीरो स्क्वायर वन स्क्वायर जीरो स्क्वायर है ना, तो जीरो का तो जीरो होगा, तो इस तरीके से वन का स्क्वायर आपको कितना मिला, वन, ठीक है। अब सेकेंड वाले में देखिएगा, सेकेंड वाले में कितना है भाई, डी टू आर अपॉन कितना, डी टी स्क्वायर क्या पाया है, टू वन माइनस जीरो का स्क्वायर अपान कितना, वन प्लस जीरो स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आई केप, अब माइनस साइन टी के है ना, टी है तो जीरो जे केप, और माइनस कितना, टू के केप। तो आपने यहां पर कितना पाया, देखो आपने पाया बच्चों, ये देखिएगा, डी टू आर अपान कितना, डी टी स्क्वायर इज इक्वल कितना पाया आपने, टू, ये देखो टू वन माइनस जीरो तो टू हो गया, वन प्लस जीरो का स्क्वायर वन हो गया, तो टू आई माइनस जीरो जे, साइन जीरो जीरो होता है, माइनस टू के। अब इसका मॉड निकालिएगा, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर, फोर प्लस फोर, तो ये कितना हो जाएगा है ना, टू इंटू फोर एट हो गया ना, तो ये आ जाएगा टू रूट टू। तो ये इस ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से काम करना है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं आपको क्या क्वेश्चन मिलता है। ये देखिएगा क्या दिया है, ध्यान देना, आपको दिया है बच्चों, बहुत सिंपल है, जैसे आपने अवकलन पढ़ा है वैसी तो है। ये देखिए आपको दिया है यू इज इक्वल टी स्क्वायर आई केप माइनस टी जे केप प्लस टू टी प्लस वन के केप तथा v इज इक्वल टू टी माइनस थ्री आई केप प्लस जे माइनस टी के केप, तो d बाई डी टी यू इंटू है ना यू डॉट v ज्ञात कीजिए, t इज इक्वल वन रखना है। अब देखो सबसे पहले देखो d बाई डी टी यू डॉट प्रोडक्ट v, तो आपको मालूम है पहला दूसरे का अवकलन होता है ना, फिर पहले का अवकलन, फिर दूसरे का अवकलन, सॉरी दूसरा वैसी, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर एक। अब यहां से u कितना है, टी स्क्वायर आई केप माइनस टी जे केप प्लस टू टी प्लस वन के केप, ये हो गया। अब इसको क्या करो है ना,
डिफरेंशिएट कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन करो, तो टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो टी स्क्वायर का हो गया 2t आई केप, टी का हो गया कितना 1 जे केप, और 2t प्लस 1 का हो गया 2 टी का 1 और 1 का 0 ये के केप आया। तो यहां से आपको क्या मिला 2t आई केप माइनस जे केप प्लस कितना 2k केप। अब यहीं पर रख दो ना, टी इज इक्वल 1 भी रख दो, यहां टी इज इक्वल 1 रखना है, तो टी इज इक्वल 1 पर कितना हो जाएगा इसका, आपको मिलेगा du अपॉन dt इज इक्वल, ये देखो 1 रखिएगा तो 2 इंटू 1 आई केप माइनस जे केप प्लस 2k केप, मतलब आपने पाया du अपॉन dt कितना पाया, ये देखिए du अपॉन dt आपने पाया बच्चों, ये देखो 2i माइनस जे प्लस कितना 2k, ये देखो तो ये आपने पा लिया, ये समीकरण नंबर कितना मान लो 2। अब इसके बाद देखो v कितना है, v आपके पास कितना है, देखो 2t माइनस 3 i केप, 2t माइनस 3 i केप प्लस कितना j केप, ये देखिए 2t माइनस 3 i केप प्लस j केप माइनस tk केप, चलो रख दो माइनस tk केप। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करो, चलो तो dv अपॉन dt, ये देखो 2t माइनस 3 तो 2t का 1 3 का 0 कांस्टेंट है, अचर है, और यहां पर कुछ नहीं मतलब कांस्टेंट है, तो 0 j हो गया, और यहां पर t का 1 हो गया तो k हो गया। अब यहां पर है ना t इज इक्वल 1 रखिए, 1 रखने पर तो t इज इक्वल 1 रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, तो dv अपॉन dt आपने निकाला, यहां पर हुआ 2i माइनस कितना k, ये समीकरण नंबर कितना। अब समीकरण 2 व 3 का मान कहां रखेंगे, एक में रखने पर चलो यहां तक नोट कर लो जल्दी, ये देखिएगा। अब हम लोग ये जो 2 का मान है और ये जो 3 का मान है इसको रखेंगे, ठीक है बच्चों, तो चलो रखते हैं। अब हमारा यहां पर फार्मूला जो बना था क्या था, u और ये हो गया डॉट v, पहला u एज इट इज है, तो u का वैल्यू है ना, u का वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना है u का वैल्यू चेक करो भाई, पहले टी स्क्वायर आई केप माइनस टी जे केप, टी स्क्वायर आई केप इसमें भी तो रखना पड़ेगा, एक काम करो बच्चों पहले u और v का भी वैल्यू निकाल लो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, ये देखो इसको मान लो समीकरण नंबर 2 है ना, और इसको मान लो समीकरण नंबर 3 और इसको 4 और इसको मान लो 5, चलो अब ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 और 4 में, समीकरण 2 व 4 में, इसमें भी तो t इज इक्वल 1 रखना पड़ेगा, रख दीजिएगा t इज इक्वल 1, चलो क्या आता है देखते हैं। तो सबसे पहले u क्या था आपके पास, u था t स्क्वायर i केप माइनस t j केप, t स्क्वायर i केप माइनस t j केप प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 2t प्लस 1 k, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 और ये हो गया k। तो आपने पाया कितना, u इज इक्वल आपने पाया i माइनस j प्लस कितना 3k, ये मिल गया। अब देखो v का वैल्यू देखते हैं, तो v क्या है आपके पास, ये है v 2t माइनस 3 i केप, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 i केप, और प्लस सेकेंड क्या है j केप माइनस t k केप, तो 1 इंटू k केप। तो ये फाइनली यहां पर क्या मिला आपको, 2 माइनस 3 माइनस i केप प्लस j केप माइनस k केप। चलो अब क्या करेंगे, ये देखो समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 4 5 6 हुआ और ये 7। अब हम क्या करेंगे, समीकरण ये देखो 3 क्या है भाई, 3 5 6 व 7 का मान, 3 5 6 व 7 का मान एक में रखने पर, चलो तो क्या क्या है आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट ये देखो d by dt u dot v is equal u कितना है i minus j plus 3k, ये हो गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट है बच्चों,
इसके बाद du dv अपॉन dt है, तो dv अपॉन dt आपने कितना पाया, 2i माइनस के पाया है। dv अपॉन dt आपने कितना पाया, 2i माइनस के, इसका डॉट प्रोडक्ट। फिर प्लस, फिर यहां पर du अपॉन dt, du अपॉन dt आपके पास कितना है, 2i माइनस j प्लस 2k, 2i माइनस j प्लस 2k, ये हो गया। और डॉट प्रोडक्ट यहां पर किसका लेंगे, माइनस आई प्लस जे माइनस कितना के, ये देखो वी का। अब यहां पर ये देखिएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको पता है ना, डॉट प्रोडक्ट पहले का पहले से, तो हमको क्या मिलेगा, देखो डी बाई डी टी और ये हो गया यू डॉट वी इज इक्वल, यहां देखो पहले का पहले से, तो वन इंटू टू, वन इंटू टू प्लस सेकेंड है ना, जे जे तो इसमें है नहीं, तो जीरो हो गया सेकेंड, थर्ड वाला थ्री इंटू माइनस वन, ये देखो, फिर ये हो गया प्लस, इसका देखो टू इंटू, ये कितना आ जाएगा, टू टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन यानी माइनस वन, फिर टू इंटू माइनस वन माइनस टू। तो आपने यहां पर क्या पाया, देखो टू, ये देखो टू माइनस थ्री और ये माइनस फाइव, तो आपको फाइनली मिला बच्चों डी बाई डी टी यू डॉट वी इज इक्वल 538 यानी माइनस सिक्स। बस इसी ढंग से बनाना है, मुझे उम्मीद है ये आपको 100% समझ में आया होगा। तो जल्दी नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको बिल्कुल बना ही लेना आप, ठीक है ना। चलो, यदि r इज इक्वल, देखो क्या दिया है आपको, r इज इक्वल a वेक्टर में है ना cos ओमेगा t और b भी सदिश है sin ओमेगा t, एक हो गया। अब इसके बाद dr अपॉन dt निकाल लो, चलो तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे dr अपॉन dt, क्योंकि हमको देखो r क्रॉस dr अपॉन dt करना है, फिर डबल डिफरेंशिएट भी करना है, तो dr अपॉन dt किया मैंने, यहां पर हुआ a cos ओमेगा t का कितना होगा, ये आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओके, और बी वेक्टर है इसका आएगा ओमेगा कास ओमेगा टी। तो आपने डी आर अपॉन डी टी पाया बच्चों माइनस, ये देखो माइनस, ये कितना हो गया ओमेगा वेक्टर ए साइन ओमेगा टी और यहां पर आया ओमेगा बी और ये हो गया कास ओमेगा टी। तो ये हो गया। अब देखो इसको हम समीकरण नंबर एक और इसको दो मान लेते हैं, क्योंकि आगे भी तो करना पड़ेगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले निकालेंगे, तो r क्रॉस dr अपॉन dt करते हैं। तो देखो समीकरण एक और दो से सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं, समीकरण एक व दो से क्या निकालेंगे भाई, r क्रॉस dr अपॉन dt। चलो r कितना है पहले राइट करो, चलो r कितना है a cos ओमेगा t, बिल्कुल वेक्टर को ध्यान रखना है, प्लस बी साइन ओमेगा टी और इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर माइनस ओमेगा ए, यह है साइन ओमेगा टी और यह हो जाएगा प्लस ओमेगा बी कास ओमेगा टी। चलो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ होता है, याद रखना, ये देखो इसका पहला का पहला से गुना ही तो करना है, देखते जाइएगा, इन दोनों का करते हैं। पहले मैंने माइनस ओमेगा बाहर किया, ए और ए क्या बन गया भाई, एक रासे, याद रखना एक रासे, और कास ओमेगा और यहां पर कितना हो गया भाई कास ओमेगा टी और ये हो गया साइन ओमेगा टी, आ गया। फिर ए का इसके साथ करेंगे तो ओमेगा ए क्रास बी, जैसा है ना ऑर्डर है वैसे रखना है, ए क्रास बी ये पहले है और यहां पर आ गया कास स्क्वायर ओमेगा टी। इसके बाद देखो इसके साथ करेंगे बी साइन ओमेगा टी के साथ करते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा माइनस ओमेगा बी क्रॉस ए और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओके ये भी हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, प्लस ओमेगा और ये आ गया बी क्रॉस बी और साइन ओमेगा टी और ये हो गया कास ओमेगा टी। बच्चों आपको मालूम है ए क्रॉस ए यदि सेम सेम हो, बी क्रॉस बी सेम सेम हो, तो होता है जीरो।
तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, कौन कौन सा, ये वाला जीरो हो गया और ये वाला जीरो हो गया। तो रिमेनिंग क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल, ये देखो ये तो पहला जीरो हो गया, आया ओमेगा ए क्रॉस बी, ठीक है ना, इसको ऐसा लिख लेते हैं कास स्क्वायर ओमेगा टी। एक चीज और यहां पर नोट कर लो बच्चों, यदि बी क्रॉस ए है, मैं इसको उल्टा करूंगा तो माइनस में आएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, ये भी याद रखिए। अब देखो इसको मैंने माइनस कर दिया सीधा सीधा, तो ये आ गया ए क्रॉस बी और ये आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी और थर्ड वाला जीरो। तो फाइनली हमने पाया आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल ओमेगा ए क्रॉस बी बाहर हुआ, आपको मिला यहां पर पहला है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और दूसरा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये हो गया ओमेगा ए क्रॉस कितना बी, ये होता है वन। तो पहला तो सिद्ध कर लिए बच्चों, अब दूसरे में आते हैं। चलो ये देखो पहला सिद्ध हो गया, अब हम समीकरण कौन सा है, समीकरण दो, समीकरण दो का पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो करते हैं, तो क्या आएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी का ओमेगा कास ओमेगा टी होगा प्लस ओमेगा बी और यहां पर कास ओमेगा टी है माइनस ओमेगा, ये होगा साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। इसमें क्या आएगा देखो, ओमेगा 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 स्क्वायर तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर हुआ और यहां पर रहेगा ए कास ओमेगा टी प्लस ये आएगा बी साइन ओमेगा टी। अब देखो समीकरण एक में आपके पास ए कास ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी क्या है भाई, डी टी स्क्वायर, ये देखो डी टी स्क्वायर है, तो यहां पर कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये आएगा वेक्टर आर। तो बच्चों हमको यही लाना था, मुझे उम्मीद है आपको ये भी 100% समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी बनाइए, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, इसको हम लोग आर डॉट एस दो तरीके से कर सकते हैं। तरीका क्या होगा, या तो पहले आर डॉट एस निकालो या फिर इनमें पहले डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो किसी भी तरीके से करो सब ठीक है, 5t स्क्वायर आई के प्लस टी जे के माइनस कितना टी क्यूब के के, एक हो गया। और दूसरा हमारे पास है एस वेक्टर इज इक्वल है साइन टी आई के और माइनस कॉस टी जे के। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आर डॉट एस निकाल लेते हैं, चलो इसी के बेस पर करते हैं। आर डॉट एस निकाला हमने, ठीक है, ये आ गया 5t स्क्वायर आई के टी जे के और माइनस कितना टी क्यूब के के, ये आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे तो साइन टी आई के एफ माइनस कॉस टी जे के, चलो इसका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में जानते हो ना, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, ऐसा क्यों होता है, आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन आई डॉट जे जीरो जे डॉट के जीरो, इसलिए होता है। तो पहले का पहले से करेंगे तो हमको मिलेगा 5t स्क्वायर, ये हो गया साइन टी, दूसरे का दूसरे से करेंगे तो टी कॉस टी, अब तीसरे तो है नहीं है, इसमें है क्या तीसरा जे वाला सॉरी के वाला, तो ये जीरो हो गया। तो माइनस ये देखो प्लस माइनस माइनस टी कॉस टी, ये आपको मिल गया आर डॉट एस, यानी आर डॉट एस इज इक्वल आपने पाया, आर डॉट एस इज इक्वल आपने पाया 5t स्क्वायर साइन टी माइनस कितना टी कॉस टी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। तो समीकरण एक का देखो क्या निकालना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है, देखिएगा। चलो समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो कर दो अवकलन टी के सापेक्ष, तो क्या क्या है पहले राइट कर लेते हैं। आपके पास यहां पर डी बाई डी टी और ये है आर डॉट एस, ठीक है, और इधर डी बाई डी टी कितना है बच्चों, ये है फाइव टी स्क्वायर साइन टी, फाइव टी स्क्वायर साइन टी माइनस कितना टी कॉस टी, चलो ये भी लिख लिया आपने। अब इसमें क्या कीजिएगा, यहां पर देखो टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखो
ये देखो डी बाई डी टी ये हो गया 5t² sin t, अलग कर दिए, और डी बाई डी टी ये हो गया टी कास टी। अब देखो पहला और दूसरा, पहला अवयसी दूसरे का अवकलन, दूसरा अवयसी पहले, है ना, पहले का अवकलन, तो पहला है ना, ये देखो फर्स्ट इसको मान लिया टी स्क्वायर को, साइन टी का क्या हुआ कास टी प्लस साइन टी वाईसी, टी स्क्वायर का क्या हो गया 2t, ये देखो माइनस इसको पहला दूसरा मानो टी कास टी का माइनस साइन टी, और यहां पर कितना आएगा कास टी और टी का 1, ये देखो। तो सबको हमने क्या राइट किया, देखो आर डॉट एस इज इक्वल कितना हो जाएगा ये भाई 5t² कास टी है ना प्लस 10t sin t, यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, और ये आ जाएगा माइनस कास टी। तो फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 5t² कास टी और प्लस कितना 11t, और ये मिल गया साइन टी माइनस कास टी। बच्चों ये 100% समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से करना है। एक तरीका क्या है, आप क्या करते हैं पहले आर फिर डीएस अपॉन डीटी, डॉट प्रोडक्ट बाद में निकालते, और डीआर अपॉन डीटी, और ये हो गया एस। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है आपके लिए, है ना, जो भी किया गया। ठीक, तो पहले आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए। अब देखिए सेकेंड हम लोग क्या निकालेंगे, इसको नोट कर लो जल्दी। सेकेंड हम लोग क्या निकालेंगे, आर क्रॉस एस। तो आर क्रॉस एस के लिए क्या करना है, देखो चलो आर क्रॉस एस सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में राइट करें, तो आपको क्या मिला आई जे और के। सबसे पहले आर देखो, आर क्या है आपके पास 5t² प्लस टी जे माइनस टी क्यूब, ये देखो तो 5t आएगा, टी आएगा माइनस टी क्यूब आएगा, 5t टी माइनस टी क्यूब, 5t टी माइनस टी क्यूब, ठीक है, सॉरी 5t² है। सेकेंड आएगा टी साइन टी, साइन टी माइनस कास्ट टी, साइन टी माइनस कास्ट टी, और ये कुछ नहीं है मतलब जीरो। चलो अब इसको सॉल्व करो बच्चों, क्या करते हैं इस रो को इस कॉलम को क्लोज करेंगे, तो मालूम है आपको कैसे करना है, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, टी क्यूब कास टी हुआ। सेकेंड मैंने माइनस जे लिया तो इसको पहले लेंगे जीरो, माइनस माइनस प्लस यह आ जाएगा टी क्यूब, यह आएगा साइन टी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है प्लस के केफ, तो के केफ के लिए कितना आ गया भाई माइनस 5t² कॉस टी, और माइनस कितना टी साइन टी। चलो अब इस पूरे को हम राइट करते हैं आर क्रॉस एस इज इक्वल क्या क्या आया, माइनस टी क्यूब कॉस टी आया, ये हो गया आई केफ, और माइनस टी क्यूब साइन टी आया, ये हो गया जे केफ, और यहां पर माइनस को बाहर का मान निकालेंगे तो 5t² cos t, और प्लस कितना t sin t के गया। चलो अब इसका क्या करो, आप डिफरेंशिएट करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे d by dt यहां पर r cross s करोगे प्यारे बच्चों, तो सबका अलग अलग करेंगे। देखिए माइनस d by dt ये हो जाएगा t क्यूब cos t, एक हो गया i के, दूसरा हुआ माइनस d by dt टी क्यूब साइन टी, दूसरा हो गया ये हो गया जे के, और तीसरा हुआ डी बाई डी टी ऑफ 5t² कॉस टी प्लस कितना टी साइन टी के केफ हो गया। अब ये देखो तीनों को अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, डी बाई डी टी आर क्रॉस है पहले, तो डी टी क्यूब कॉस टी है पहला, देखो डी बाई डी टी आर क्रॉस माइनस डी बाई डी टी है ना टी क्यूब साइन टी है कॉस टी है, तो पहला वैसी दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसी पहले का अवकलन, चलो पहला का हो गया भाई आई के, फिर दूसरा क्या है टी क्यूब है ना साइन टी है, तो पहला वैसी दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसी पहले का अवकलन, ये देखो ये भी हो गया, और तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास क्या है 5t² cos t, 5t² cos t, तो t² cos t का माइनस साइन t प्लस है ना cos t, और ये हो जाएगा 2t। चलो इसके बाद क्या है t sin t है, तो t
साइन टी का कॉस टी, है ना, टी का वन और ये आएगा साइन टी, तो आपको मिल गया के केफ। तो फाइनली आपने पाया बच्चों, ये देखो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हमको क्या मिला, पहला टी क्यूब, ये हो गया साइन टी माइनस कितना थ्री टी स्क्वायर और ये आ गया कॉस टी, पहला आ गया। ये देखो अब इनमें हमने आई केफ लिया, दूसरा क्या आया, माइनस तो रहेगा ही इसमें, दूसरा आया टी क्यूब कॉस टी प्लस थ्री टी स्क्वायर साइन टी, ये भी आ गया। और तीसरा हमारे पास क्या आया, माइनस को अंदर ले जाना है क्या, है ना, ले जा सकते हो या अदरवाइज रहने दीजिए, कितना आ गया भाई फाइव टी स्क्वायर साइन टी, और यहां पर आ जाएगा इंटू में नहीं टू टी, ये होगा फाइव टू जा टेन हो जाएगा, टेन 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 टी कॉस टी और टी कॉस टी और प्लस साइन टी, के केफ हो गया। अब यदि इसको एड करना चाहते हो तो टेन और प्लस वन इलेवन, अदरवाइज यही आंसर होगा प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से करना है। मुझे उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।